हेलो फ्रेंड, डेंगू एक बार फिर से अपना विस्तार उत्तर भारत में काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। और डेंगू हर साल बारिश के बाद जब नमी का सीज़न आता है तो डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैलता है। और अभी दिल्ली से लेके बिहार तक जो है डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो आज हम यहाँ पर डेंगू को लेकर ही विस्तार में बात करेंगे। डेंगू के सिम्टम्स क्या है, कैसे ये फैलता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। वायरस होता कैसे है? तो एक मॉस्किटो होता है, मच्छर, जिसको एडीज मॉस्किटो बोलते हैं। तो ये जब किसी भी स्वस्थ मनुष्य को काट लेता है तो उसके अंदर डेंगी वायरस जो है 3 से 4 दिन के बाद डेवलप हो जाता है। इस डेंगी वायरस के डेवलप होने के बाद जो है किसी भी व्यक्ति को डेंगू की बीमारी हो जाती है। अब ये फैलता कैसे है? तो ये आप किसी के साथ खाना खाने, उठने बैठने से नहीं फैलता है, बल्कि अगर किसी व्यक्ति को डेंगू की बीमारी है और कोई ये एडीज मॉस्किटो जो है उस व्यक्ति को काटता है और फिर वही मॉस्किटो किसी भी स्वस्थ मनुष्य को जब काटता है तो उसको भी डेंगू की बीमारी हो जाती है। अब ये एडीज मॉस्किटो पाए कहाँ जाते हैं? तो ये हमारे आसपास जो जमा हुआ पानी होता है और साफ पानी होता है उसी में ये पनपते हैं और अपना जो है रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। अब डेंगू का सिम्टम्स क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, इसको जान लेते हैं। तो जिसको डेंगू होता है उसको तेज़ बुखार होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, उसके अलावा मसल पेन होता है, जॉइंट पेन होता है, कभी कभी डायरिया की भी शिकायत होती है, जी मचलाना यानी डिजीनेस है, वॉमिटिंग की भी समस्या आती है और स्किन पर रैसेस पड़ जाते हैं, रेडनेस हो जाती है स्किन पे, रेड कलर के, लाल लाल कलर के जो है दाने पड़ जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण हैं, लेकिन ये सिम्टोमेटिक ही है और इससे आप ये श्योर नहीं कर सकते कि ये डेंगू ही है, क्योंकि अदर जो भी वायरल डिसीज़ होता है, वायरल बीमारियां होती हैं, उसमें भी कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जब जाँच करेंगे और जांच करने के बाद ही एक्चुअल में पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। अब जो डेंगू की जांच होती है उसमें, उस जांच में डेंगी एंटीजन और डेंगी एंटीबॉडी की जांच कराई जाती है, जिससे पता चलता है कि किसी व्यक्ति को डेंगू है या नहीं है। उसके अलावा ट्रीटमेंट का कोई स्पेसिफिक नहीं है इसका, और व्यक्ति की कंडीशन को देख कर जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब ये जो डेंगू है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहले को बोलते हैं जैसे फेब्राइल स्टेज बोलते हैं, फिर क्रिटिकल स्टेज और तीसरा रिकवरी स्टेज होता है। फेब्राइल स्टेज में क्या होता है, जब किसी भी व्यक्ति को एडीज मॉस्किटो काट लेता है और उसके अंदर फिर वायरस जो है 3 से लेकर 14 दिन के अंदर अपने आप को जो है डेवलप कर लेता है। डेवलप करने के बाद व्यक्ति को तेज़ बुखार आने लगता है, उसको जो है जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, भूख कम लगती है, उल्टी आती है, जी मचलाता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। फेब्राइल स्टेज में कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे बुखार के लिए जो है पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है, जी मचलाने के लिए जो है ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल विद डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद जो आता है वो क्रिटिकल स्टेज आता है। क्रिटिकल स्टेज में क्या होता है कि ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, आपके नाक से खून आ सकता है, आपके मुंह से खून आ सकता है, आपके फेफड़ों के आसपास पानी भर सकता है, व्यक्ति का बीपी लो हो सकता है, उसका मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन यानी कि बहुत सारे शरीर के अंदर के पार्ट जैसे लीवर, किडनी, लंग्स ऐसे हुए ये अपना काम करना बंद कर सकते हैं। तो इसको जो है उस समय व्यक्ति को प्रॉपर हॉस्पिटल सेटअप में जाना होता है। हॉस्पिटल सेटअप में जाने के बाद वहाँ पर प्लेटलेट्स काउंट भी बराबर बार बार चेक किया जाता है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति का जो प्लेटलेट्स काउंट होता है वो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। तो अगर ये प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख के नीचे चला जाता है या फिर 50,000 के नीचे चला जाता है तो एक कंसर्न होता है, जिसको जो है आप हॉस्पिटल सेटअप में जाएंगे तो ही जो है वहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका किया जाता है। और अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत तेज़ी से घटता है तो उस समय जो है प्लेटलेट्स भी अलग से लगाया जाता है। अब ये प्लेटलेट्स जो है ये इतना ज़रूरी क्यों होता है, तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करता है कि ब्लीडिंग को रोकता है। ब्लीडिंग को कैसे रोकता है कि जब भी कभी ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट्स जो है वो ब्लड क्लॉट करता है।
तो ब्लड क्लॉटिंग से जो जो आपके शरीर के बाहर आपने कभी देखा होगा, आप अगर कोई चीज़ कट जाती है तो अपने आप ब्लड क्लॉट होता है, तो ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है। ऐसे ही इंटरनली, क्योंकि डेंगू में इंटरनली ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को जब प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम होता जाता है तो ब्लीडिंग को रोक नहीं पाता है, जिससे व्यक्ति की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए उस समय जो है प्लेटलेट्स अलग से भी चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स जो होता है वो फाइब्रिन रिलीज करता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग को इंड्यूस करता है। अभी जो है प्रयागराज का एक केस है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, वहाँ पर एक व्यक्ति को प्लेटलेट्स की जगह जो है मौसम्मी का जूस चढ़ा दिया गया। तो मेरा यहाँ पर ये बताने का केवल इतना मतलब है कि अगर आप प्लेटलेट्स इमरजेंसी में कहीं से ले रहे हैं तो उसका अच्छी तरह से जांच कर ले कि ये प्लेटलेट्स जो है वो सही जगह से आपने लिया है कि नहीं लिया है। क्योंकि जो होता है वो रिकवरी फोज होता है, इसमें शरीर के अंदर जो है दाने आ सकते हैं, भूख कम लग सकती है, थोड़ी थकान सी महसूस होगी, लेकिन ये 4-5 दिन के बाद अपने आप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। चलिए अब डेंगू के ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को तेज़ बुखार है तो उसमें प्लेन पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका क्रोसिन हो गया, डोलो हो गया, इनको दिया जाता है। उसके अलावा व्यक्ति को जी मचलाने या उल्टी जैसी समस्याएं रहती है तो उसमें आपका ओमिप्राजोल विथ डोमपेरिडोन या पेंटोप्राजोल विथ डोमपेरिडोन, इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, जैसे पैन डी आता है, रेबीमैक DSR आता है, ओमेज डी आता है, बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो इस तरह के बीमारी में दिए जाते हैं। यहाँ पर कई सारे डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल किए करते हैं, हालांकि ये एंटीबायोटिक्स का जो है यहाँ पर कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता, क्योंकि एक वायरल डिसीज़ है ये तो। लेकिन फिर भी जो डॉक्टर यूज़ करते हैं उसमें जनरली जो डॉक्टर यूज़ करता है सेफिक्सिम 200 mg BD डोजेज में 5 से 7 दिन इस्तेमाल करता है, या फिर एमोक्सिसिलिन क्लेवनिक एसिड का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करता है, जैसे आपको ऑगमेंटिन हो गया 625 mg, मॉक्सिकैंट CV हो गया, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है व्यक्ति को प्रॉपर जो है ORS काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, नारियल पानी दिया जाता है जिससे उसका फ्लूड बराबर बना रहे बॉडी में। उसके अलावा जो है व्यक्ति को जो है नारियल के पत्ते का रस दिया जाता है, या फिर कैरीप्रिल टैबलेट या कैरीप्रिल सिरप दिया जाता है। इस तरह का फ्लूड बराबर देते रहने से व्यक्ति के अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती, और दूसरा व्यक्ति को पूरे सलाह दी जाती है कि वो कंप्लीट बेड रेस्ट करे। व्यक्ति की हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसको हॉस्पिटल में IV फ्लूड दिया जाता है, एक ही स्पीड में लगातार दिया जाता है। उसके साथ में उसको एमोक्सिक्लेव का 1.2 ग्राम का इंजेक्शन IV दिया जाता है दिन में एक बार। और अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो उस व्यक्ति को अलग से प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती है, जिससे व्यक्ति की ब्लीडिंग जो है वो कम हो सके और या फिर बंद हो सके। डेंगू के बुखार में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, तो एस्पिरिन की टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए, अगर कोई व्यक्ति स्टेरॉयड ले रहा है तो उसको नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा ब्रूफेन की टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपसे शेयर करनी थी। कोई भी व्यक्ति जो है डेंगू के इलाज के लिए डॉक्टर से ही संपर्क करे। ये वीडियो केवल मैंने जानकारी के लिए बनाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।